हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चन्नम्मा इंजीनियरिंग चैनल मनु। तो फ्रेंड्स, आखिरकार में आप लोग बहुत परेशान थे कि ये कब आएगा नोटिस। तो फ्रेंड्स, एक ही यूनिवर्सिटी ने कर दिया, आप लोगों को नोटिस दे दिया। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे प्रमोट। तो फ्रेंड्स, यहां ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, अभी अभी आया है। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना मीठापुर से आया। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संचालित हो रहे बीटेक, बीकॉम, व्यावसायिक बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, एमटेक के पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नामांकित प्रथम सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं एवं सम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को, मैंने अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़कर अगले सेमेस्टर मैंने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रमोट किया जाता है, मैंने प्रमोट किया जाता है। बीबीए, बीटेक, एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर है, सब लोग को प्रमोट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर में लिखा है कि सत्र 2020-21 के प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट प्राप्त छात्र छात्राओं के अंक का निर्धारण महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदत्त आंतरिक अंक के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आंतरिक अंक के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 100% अंक का वेटेज आंतरिक अंक आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, सिक्स नंबर में लिखा हुआ कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संचालित हो रहे बीटेक, बीफॉर्म, व्यवसायिक बीबीए, बीसीए, एमटेक के प्रथम सत्र 2020-21 के प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा का आयोजन महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात जल्द ही आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे प्रमोट हो गया, आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। कहे कि यहाँ पर लिख दिया है कि पश्चात जल्द ही आयोजित की जाएगी, यानी दिसंबर या जनवरी तक आप लोग को हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं साइन है कुलपति के अध्ययन अनुसार, परीक्षा नियंत्रक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अनुसार, यह ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक नोटिस नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस खुशी में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें, ताकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो थैंक यू।